एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑसम रेडियो विद श्वेता। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस ऑसम फैमिली का हिस्सा बनिए। आज मैं आप लोगों की बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट पे एक वीडियो लेकर आई हूँ, एक रेमेडी लेकर आई हूँ, यानी कि जो आपके स्किन पे ग्लो ऐड करेगी, आपके स्किन पे नेचुरल ग्लो जिससे मिलेगा। धूप धूल प्रदूषण में जाने के कारण अक्सर हमारा जो स्किन का नेचुरल कलर है वो खो जाता है और स्किन पे बहुत ज्यादा लेयर जम जाती है, और इसकी वजह से एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, रिंकल्स तो एज के हिसाब से होता ही है, लेकिन उम्र से पहले भी रिंकल्स जो है वो होने लगता है, दिखने लगता है। स्माइल लाइन रिंकल्स वगैरह जो होते हैं वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो आज आपकी उन्हीं सभी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेकर आई हूँ और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक अभी से जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अपनी स्किन को बच्चों की तरह सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी बनाना चाहते हैं, स्किन पे ग्लो चाहते हैं, तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपके स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना देगी। स्किन पे जो ग्लो चला गया है, कुछ भी ट्राई कर लिया, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट ट्राई कर लिए, सब कुछ ट्राई करके थक चुके हैं, स्किन और भी ज्यादा डैमेज पे डैमेज होती जा रही है, कोई अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से आप अपने स्किन का खोया हुआ ग्लो पा सकती हैं, और ही ज्यादा अगर आपके स्किन पे ग्लो शुरू से नहीं है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रही है, स्किन में कभी ग्लो रहा ही नहीं है, स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क हो चुका है, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए, यानी वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे गिव अवे अनाउंस होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को और हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो गिव अवे होता है वो केवल और केवल बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हम रेमेडी जब तक यूज करते हैं तब तक तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, जब हम रेमेडी लगाना बंद कर देते हैं तो एक दो महीने बाद जो हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन है वो वापस से वैसा हो जाता है। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज है वो मैजिकल नहीं होती है कि आपने उसे एक बार लगाया और सालों साल काम करे। उसे आपको वीक में 2 से 3 बार अगर आपको पता है कि उससे आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, वो भी नेचुरल चीजें, मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो आप इजिली अपने किचन में रखी हुई कुछ इंग्रेडिएंट के साथ वो रेमेडी तैयार कर सकते हैं, तो उसे आप लगाने में इतना आलस क्यों करते हैं भाई। आप उसे बनाइए और लगाइए जब आपको पता है कि वो रेमेडी आपको इतनी सूट कर रही है, उसकी वजह से आपका कलर कॉम्प्लेक्शन, आपके स्किन से जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई, तो फिर उसे आप स्किप क्यों करते हैं अपने डेली रूटीन से। डेली रूटीन में नहीं, मैं तो कहती हूँ वीक में आपको एक बार यूज करना होता है। बहुत सी रेमेडी ऐसी होती है जो वीक में 2 से 3 बार यूज करनी होती है, तो प्लीज आप उसे ये मत सोचा कीजिए कि कोई भी नेचुरल रेमेडी हो या फिर कोई केमिकल प्रोडक्ट हो, आप उसे एक बार लगाएंगे और कभी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको रेमेडी इतनी सूट कर रही है तो आप उसे डेली लगाएं। तो चलिए गाइस, हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हमें फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ग्राम फ्लावर, यानी कि बेसन। बेसन जो होता है हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और हर किसी की किचन में मौजूद होता है। बेसन में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन K, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, फाइबर, जिक न जाने क्या क्या होता है, जो हमारी हेल्थ के साथ साथ, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इस रेमेडी की क्वांटिटी मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ, बिकॉज मैं इसे फेस के साथ साथ फुल बॉडी पे भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी अगर चाहें तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हैं, नहीं तो 2 चम्मच आपको यहाँ पे, बड़े 2 चम्मच बेसन लेना है। मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच यूज़ किया है। अब जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है पिसी हुई हल्दी। हल्दी आपको कस्तूरी हल्दी ही लेनी है, या फिर मार्केट में जो गाठे आती हैं हल्दी की, उसे घर पे लाके पीस लीजिएगा। किचन में जो मसालों में यूज़ करते हैं आप हल्दी, वो प्लीज़ मत लीजिएगा, वो स्किन के लिए बिल्कुल नहीं होती है और स्किन पे उससे बहुत सारे इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। हल्दी में विटामिन सी होता है, हल्दी में फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन B6 होता है, मैग्नीशियम होता है, जो स्किन से दाग धब्बों को हटाने के लिए, स्किन से बहुत से इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ये आपके स्किन में एक अलग से रंगत लाता है। अब जो हमने इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी ले सकते हैं जो आपके घर में खाने पीने में यूज़ होता है, पीने में यूज़ होता है, वो आप कॉफ़ी पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉफ़ी स्किन को इंस्टेंटली ब्राइट करने के साथ साथ स्किन पे जो भी दाग धब्बे होते हैं, टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, उनसे छुटकारा दिलाता है। अब ये ऑप्शनल है, दही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो दही को स्किप कर दीजिएगा, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आप इसमें दही यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपकी ऑयली स्किन भी
होती है तब भी आप इसमें दही ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी की बहुत एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होती है तो उनके लिए दही बिल्कुल भी नहीं होता है, उससे उनके स्किन पे पिंपल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पे अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, ड्राई स्किन है, तो आप इसमें केवल और केवल पानी का यूज़ कीजिएगा इसको पेस्ट बनाने के लिए, या फिर गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसमें दही ऐड कर दीजिएगा या फिर कच्चा दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है हमें। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी, क्योंकि मैं इसे फुल बॉडी के लिए बना रही हूँ, तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, और इसे 5 मिनट तक आपको रेस्ट पर रख देना है ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएँ। और उसके बाद आपको अपने फेस पे इसे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है, जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए। किसी भी तरीके का मेकअप डस्ट पॉल्यूशन आपके फेस पे नहीं होना चाहिए, कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको इस रेमेडी को अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है, हल्का ड्राई हो जाए, कम से कम 80-90% ये आपके फेस पे ड्राई हो जाए। उसके बाद आपको अपने फेस को नॉर्मल पानी से क्लीन कर लेना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे क्लीन करना है। और फर्स्ट टाइम में इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा ऑसम आता है मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट ही दिखा देती हूँ। चलो, तो इसे लगाकर मैंने रखा था करीब 15 मिनट ही रखा था, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख पाई थी क्योंकि मेरा बच्चा है बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत उधम करता है। तो 15 मिनट बाद ये पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुआ, आपको इसे थोड़ा सा और ड्राई करना है। ये लगभग 40-50% ही ड्राई हो पाया है, और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है, मैंने इसे केवल 10-15 मिनट ही रखा था अपने फेस पे, वो भी नहीं रख पाई थी, और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा औसम आता है। इसका रिजल्ट ना फर्स्ट टाइम में ही ये जो पेस्ट है, जो फेस पैक है, वो आपकी स्किन पे इंस्टेंटली ग्लो ऐड करता है, आपकी स्किन पे एक शाइन ऐड कर देता है, और मॉइस्चराइज़र की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, या बारिश का मौसम हो, स्किन जो ड्राई हो जाती है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपकी स्किन से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फर्स्ट टाइम जो लाइव रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ऑसम रेमेडी है। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। जिन लोगों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर। मैं आप लोगों से प्यार करती थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, अब आप लोगों की मर्जी है, आप जिस जिससे प्यार करते हो उन सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम का जो मेरा चैनल का नाम है ऑसम एवरीडे विद श्वेता, वही मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल का नाम है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो तक ले टाटा में टिके लो।